बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुश्ना तारिक एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर सीजनिंग एपिसोड ऑफ डीसीडीसी स्टूडियो बाय इनसाइट प्रो ग्लोबल। सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि ये काफी ओल्ड हो चुका है, टाइम गुजर चुका है, 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ईद के फौरन बाद ये फर्स्ट सेशन है मेरा। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू पीपल आर स्टेइंग एट होम एंड यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस डिजास्टर प्रॉब्लम कोविड-19। उसके अलावा स्ट्रेट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड बी कमिंग ओवर द टॉपिक करियर काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। हम सबको सिंस इंसेप्शन ऑफ द बर्थ हमें ये बोल दिया जाता है इफ अगर बेटा पैदा हुआ है ब्राइटनेस कम हो रही है और अगर बेटी पैदा हुई है शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो आपके साथ ये जो टैगिंग कर दी जाती है सिंस योर बर्थ, सिंस योर सोशलाइजेशन, कि भाई बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा कोई भी फील्ड नहीं है। तो ये हमें इस चीज के ऊपर बात करनी है कि क्यों हम मजीद इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों हम मजीद डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो टॉप के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो पीक के ऊपर है। तो इस चीज को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम माय को होस्ट मिस्टर अनस अहमद महमूद, हु इज सर्विंग एज लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इंजीनियर राणा सरवद महमूद साइनिंग इन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एसईडीसी स्टूडियो। आई एम करंटली सर्विंग एज अ लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट आईएसपी मुल्तान। वेरी वार्म वेलकम टू आवर व्यूअर्स। आई एम होपिंग कि आप लोग खैरियत से हैं, अल्लाह आपको, आपके घर वालों को खैर आफियत से रखे और हर तरह की क्रॉनिक डिजीज से बचाए आपको। जैसा कि हम लोगों ने आजकल एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म लिया हुआ है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, किस किस तरह से हम इन एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं और जो रिसेंट हमारे इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट कैरियर काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। मैं ये बताता चलूँ, ये टॉपिक लिमिटेड नहीं है बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ही है, ये टॉपिक तमाम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए वैलिड है। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। हमारे साथ इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद याकूब जावेद हैं। ही इज करेंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी लाहौर। अगर मैं आपकी अचीवमेंट्स को गिनवाना शुरू करूं तो वो बहुत टाइम चाहिए होगा मुझे। माशाल्लाह से बहुत यंग एज में आपने पीएचडी कंप्लीट किया चाइना से, एंड करेंटली यू हैव बीन सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमसेट लाहौर। आप डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोलेबरेशन चल रही है चाइना के साथ, मलेशिया के साथ, टर्की के साथ, और माशाल्लाह से अगर मैं ये कहता चलूँ कि जितने हमारे इन द फील्ड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग में जो हमारे पास वेल नोन रिसर्चर और स्कॉलर्स हैं, उनमें सर का शुमार होता है। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर गेस्ट, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर याकूब जावेद विद अस। सर अस्सलाम वालेकुम, आप हमें सुन सकते हैं? सर क्या हाल अवाल हैं आपके? ठीक है, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम मैनेज किया हमारे लिए स्पेशली, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये हमारा सेशन आज का काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा और जो लोग, जो व्यूवर्स हमें इस टाइम मौजूद हैं, सुन रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ गेन करेंगे। सर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सर आवाज़ आपको आ रही है क्लियर हमारी? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? जी बिल्कुल सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर, माशाल्लाह से। जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने कहा सर की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, सब प्लीज कैरी ऑन। सर सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन आपका करवाया है, इसमें थोड़ा सा आप ऐड करके बता दें आपकी इसके अलावा कुछ और अचीवमेंट्स मेरे से रह गई हो जो मैं ना डिस्कस कर सकूं। ऐसा है कि मैंने 2008 में ग्रेजुएशन की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने बेसिकली एमएस किया यूईटी से और पीएचडी की मैंने चाइना से 2017 में मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी। मैंने 2018 तक यूसीबी लाहौर में 10 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है यूसीबी लाहौर में, और फिर उसके बाद मोर देन टू ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस कॉमसेट्स में। जो एक तो आपने मिस्टेक की कि मेरी कलेबरेशन जो है वो ज़्यादा मलेशिया से है और चाइना से है, तुर्की से मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है।
मेरा जो रिसर्च एरिया है उसमें मैंने ज्यादातर काम सोलर रिन्यूएबल में किया हुआ है। इसके अलावा बायोमेडिकल में जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, प्रोस्थेटिक हैंड्स हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स हैं, व्हीलचेयर है, इसी तरह जो है ब्रेन कंट्रोल्ड व्हीलचेयर आ गई, फिर ब्लाइंड स्टिक आ गई, फिर साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गया। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करते रहते हैं, जो हमारा जहन होता है कि डिसेबल और उससे रेलिवेंट जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी तरफ से कोई हेल्प हो जाए तो वो हम करते रहते हैं। इसके अलावा हम एक ब्लड डोनर सोसाइटी चला रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन मुझे 12 साल हो गए इसको चलाते हुए। लास्ट ईयर तकरीबन 2000 से ज़्यादा हमने बोटल्स अरेंज की थी। ये एक वॉलंटियर है जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो आपने। ओके सर, स्टार्टिंग सर 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 मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम सर। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे बहुत से क्वेश्चंस हैं, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमें सुन रही है, और पूरी ऑलमोस्ट आई कैन से 40,000 to 50,000 हमारे ईयरली ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, जिनके बहुत से क्वेश्चन हैं, जिनके लिए एक घंटा भी शायद कम पड़ जाए। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि तमाम क्वेश्चंस को, तमाम क्यूरीज को आपके सामने पेश किया जाए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई टू परस्यू दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्यों सर? मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि मैं जब ग्रेजुएशन मैंने की ना, तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर तबरेज असलम शामी साहब, जो यूटी के चेयरमैन रिटायर हुए थे, और उनसे हम जब डिस्कशन करते थे तो यही क्वेश्चन हम उनसे पूछा करते थे। तो डॉक्टर साहब हमें बड़ा अच्छा आंसर करते थे। वो कहते थे कि चाइना में रेवोल्यूशन आया, और चाइना आपको भी पता है कि इकोनॉमी वाइज बीट करता है अमेरिका को, तो चाइना में जो रेवोल्यूशन है उसमें मेजर जो काम किया गया वो चेयरमैन माओ ने किया था। और चेयरमैन माओ ने उस वक्त जब अपनी गवर्नमेंट संभाली तो उसने जो पहला स्टेप लिया वो ये था कि उसने जितने भी स्टूडेंट्स थे ना सबको जो इंजीनियरिंग वाली फील्ड में लगा दिया, यानी कि टेक्निकल फील्ड में लगा दिया, नॉन टेक्निकल फील्ड से हटा दिया, और जितने भी जिसको मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का शौक था उसे इलेक्ट्रिकल वाली साइड में, किसी को सिविल का शौक था उसे सिविल वाली साइड में, जिसको नेविगेशन का शौक था उसे नेविगेशन, जिसको आईटी का शौक था उसे। तो जो रेवोल्यूशन की बेसिक बुनियाद बनी ना वो टेक्नोलॉजी थी। हमारा जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में वो ये कि हम टेक्नोलॉजी को उतना नहीं तवज्जो देते जितना हम, आप देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देखो तो बीबीए बीकॉम की स्ट्रेंथ जो है उसके कंपैरिजन में आपको आईटी या इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिलती। हालांकि जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो ज्यादा एडवांटेज देती है एज कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल एजुकेशन। दूसरी चीज ये कि जब हम चाइना में थे ना तो चाइना में हमें एक चाइनीज कल्चर पढ़ाया जाता था, तो चाइनीज कल्चर के अंदर उन्होंने काफी डिटेल में बताया, तो उसमें एक बात उन्होंने ये बताई कि तकरीबन जब इनकी कोलैबोरेशन हुई ना चाइना की विद अमेरिका, तो उसमें उन्होंने तकरीबन 14 बंदे अमेरिका भेजे कि भाई अमेरिका में एजुकेशन हासिल करें। और तब चाइना ये सोचता था कि भाई हम लोग डेवलप्ड कंट्री है और हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम बहुत एडवांस है। लेकिन जब वो अमेरिका से होके आए और उसके बाद जो जिस जिस फील्ड में था, ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड से आए, जो जिस जिस फील्ड में था, जिस तरह नेविगेशन में जो था उसने नेविगेशन में डेवलपमेंट की, जो एग्रीकल्चर में था उसने एग्रीकल्चर में, जो टेक्नोलॉजी वाइज किसी भी फील्ड में था उसने उसी फील्ड में डेवलपमेंट की। और आज भी चाइनीज हिस्ट्री में ये बात बार बार बताई जाती है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट हुई उसने ही चाइना को, चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। हमारी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से हमारे पास इतने इंजीनियर्स नहीं है जो टेक्नोलॉजी वाइज इतना फैसिलिटेट कर सके पाकिस्तान को। अरेंज किया, और स्टूडेंट्स को इस पेंडेमिक के प्रॉब्लम में होते हुए, इस सीरियस प्रॉब्लम में होते हुए हम आप लोगों को एक्नॉलेज रख रहे हैं, हम आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं न्यूली इंफॉर्मेशन के साथ। ओके सर, मूविंग स्ट्रेट ओवर द फर्स्ट क्वेश्चन बाय माय साइड इज दैट, जब भी आप, जैसे ही आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में बर्थ होती है,
if the baby girl is born, then you are definitely going to tag with a tag of doctor that she is going to be a doctor, she is going to pursue a field of medicine. While अगर लड़के की बर्थ होती है तो आप बोल देते हैं जी इसने तो लड़का ही बनना है, सॉरी इंजीनियर ही बनना है. सो थ्री इडियट्स में जैसे बात की गई कि आप ये नहीं देखते कि बेसिकली बच्चे का पोटेंशियल क्या है, आप उसको फ्रीडम नहीं देते, आप उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से फील्ड चूज कर सके, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सके कि वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, आईटी में जाना चाहता है या किसी सोशल फील्ड में जाना चाहता है. तो सर क्या ये एक स्टिग्मेटिकल प्रॉब्लम है या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कि लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी? नहीं बच्चे, गुड क्वेश्चन मैडम. तो अभी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है और जितने बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ इन टच हो गए हैं, मोबाइल फोन और फिर फेसबुक और फिर ये जो जितने भी एप्स वगैरह वो आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, इसमें तो अब वो वाली बात तो रही नहीं कि बच्ची हुई है तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगी और बच्चा है तो इंजीनियर बनेगा. वो तो डिपेंडेंट बच्चे पे ही डिपेंडेंट हो जाता है. इवन आजकल माँ बाप जो है बच्चे की चॉइस जरूर पूछते हैं कि भाई आपका जो शौक क्या है या आप क्या करना चाहते हैं. मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि वे हम लोग जब टेक्नोलॉजी वाइज जब बच्चे ग्रो करते हैं और किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है या साइंसेस में स्ट्रांग है तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूं अपने बच्चों को भी और जितने भी जो सॉरी मेरा टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी लाइफ चली गई है. तो मैं इसी तरह ही रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे जिनकी साइंसेस और मैथ स्ट्रांग है उनको या इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड को करना चाहिए. अगर साइंसेज या मतलब मैथ्स वीक है तो फिर ये एमबीबीएस या किसी और फील्ड की तरफ जाना चाहिए. सर इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. मैं अपने इस टॉपिक में डेप्थ में जाने से पहले मुझे आज एक बच्चे ने पूछा कि भाई मैंने एफएससी कर ली है, हुकूमत ने मुझे पास भी कर दिया, मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो अब मुझे फादर ने कहा है इंजीनियर बनना है और मदर ने कहा है आपने लॉ की तरफ जाना है. तो सर इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को किस तरह से हम कन्विंस कर सकें कि आपके लिए ये डिसिप्लिन बेहतर है. अगर उसने इंजीनियरिंग में ही जाना है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कौन सी बेहतर है, किन बेसिस पे उनको बताया जा सकता है कि इसका स्कोप है, इसमें आपके पे अच्छी है, सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है, सर कौन से फैक्टर्स होने चाहिए हम जिनको नोटिस करें? अच्छा पहले तो एक बात को मैं आपको क्लियर करूं कि हम जब लिटरेसी रेट को निकालते हैं पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि अराउंड 48-46% लिटरेट लोग बैठे हैं और जो पाकिस्तान का क्राइटेरिया है जिसके अंदर लिटरेसी को जज किया जाता है उसमें बेसिक क्राइटेरिया यह है कि अगर किसी को एक स्टेटमेंट पढ़नी आती है और उसके नीचे सिग्नेचर कर देता है तो इसका मतलब लिटरेट है. जबकि हम ग्रेजुएट की परसेंटेज देखें तो जो ऑलमोस्ट ग्रेजुएट है ना पाकिस्तान में वो 4-5% है. पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखो तो 20 करोड़ के करीब अवाम है और उसमें सिर्फ 4-5% ऐसे हैं जो ग्रेजुएट है. और उन ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं देखूं कि वो बंदे जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल किया है वो सिर्फ 1% के करीब है और 1% बहुत स्मॉल अमाउंट बनती है. आप देखो 20 करोड़ का अगर मैं 10% निकालूं तो 2 करोड़ बनता है और अगर 1% निकालूं तो 2 लाख बनते हैं. और 2 लाख में हम टेक्निकल फील्ड की बात करें जिसमें कंप्यूटर साइंस का भी है, इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स तकरीबन 11 या 12 फील्ड्स बनती है इंजीनियरिंग की, उन सब उन फील्ड्स को मिला के जो है 1% के करीब बनता है. एक तो पॉपुलेशन वाइज हम बहुत थोड़े हैं टेक्निकल फील्ड में. दूसरी चीज ये कि जो हम कहते हैं ना कि बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है एफएससी के बाद या एफए के बाद वो कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें, वो फील्ड का आंसर जो है ना वो बच्चे को खुद करना चाहिए. बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जितने जितने माशाल्लाह आजकल टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे इन टच हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-5 क्लास के बच्चे जितना टेक्नोलॉजी के अंदर घुसे हुए हैं, तो ये इर्द गिर्द की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, टॉक्स हैं, जिस तरह टेड टॉक्स हैं या कोई सेमिनार्स वगैरह हैं, इनको देख देख के हर बच्चे का कोई ना कोई इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है. तो ये मैं जरूर कहता हूँ बच्चे को ग्रेजुएशन करनी चाहिए, एजुकेशन अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन ये बच्चे पे डिपेंडेंट है कि उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका गोल है, उसने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना सोचा होगा कि मैंने ये बनना है, तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है. अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग जब टीचिंग फील्ड में जाते हैं, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए टीचिंग करते हुए, मैं जब भी बच्चों से फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आपने इंजीनियरिंग ली है तो उसकी रीजन क्या बनी, आपने सिलेक्शन क्यों की ये फील्ड, तो बच्चों का रिप्लाई सिर्फ ये होता है कि सर मेरे मामू ने कह दिया, मेरे चाचू ने कह दिया, मेरे बाबा ने कह दिया, मेरी आंटी ने कह दिया, उसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग फील्ड ली. उनका ये फोकस नहीं होता कि भाई ये इंजीनियरिंग फील्ड मेरा अपना इंटरेस्ट है.
मैं ये कहता हूँ बिल्कुल इसी तरह है। बच्चे जो सुन रहे हैं और जो बच्चे जिनके छोटे बहन भाई भी हैं, उनको खुद ये फोकस अपनी तवज्जो होनी चाहिए कि भाई मेरे अगर मैं मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हूँ, मेरी फिजिक्स मेरी मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है फिजिक्स में, तो फिर बेहतर है कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड को ज्वाइन करूँ। इसी तरह अगर केमिकल इंजीनियरिंग करनी है या फार्मासिस्ट बनना है, तो फिर अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो फिर इसी फील्ड में जाओ। नहीं तो क्या होगा कि बच्चा इंजीनियरिंग में तो चला जाएगा, दो तीन चार सेमेस्टर तो शायद निकल भी जाए, जैसे जैसे इन डेप्थ में जाए जो डेप्थ नॉलेज मिलेगा वो फंस जाएगा, और फिर उसके बाद उसे डिग्री छोड़नी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली 2 साल 1 साल उसकी जिंदगी का जाया भी हो जाएगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे हमारी सोसाइटी में बच्चों को एजुकेट होना चाहिए, चाहे वो सिंपल बीए ही क्यों ना करे, बीबीए करे, बीकॉम करे, एलएलबी करे, जो मर्जी फील्ड ज्वाइन करे, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपनी सोसाइटी में एजुकेशन को इस तरह बेस बनाते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए, और ये मैं समझता हूँ गलत है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कॉलेजेस के टीचर हैं, वो एक ही बात कहते हैं, बेटा अच्छी एजुकेशन ले लो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, को 50,000 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। यानी कि फोकस ही नौकरी पे, ये फोकस ही नहीं है कि हमने जो है बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई और काम करना है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन सिर्फ इस बेस पे हासिल करते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, और यही वजह है हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं होती। हमारी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में नेस्ले जैसी कंपनी, पेप्सी जैसी कंपनी, कोक जैसी कंपनी आती है और वो छा जाती है, जबकि हमारा इंजीनियर डॉक्टर कहता है हमें तो नौकरी ही नहीं मिलती, उसकी सोच यहाँ से आगे ही नहीं जाती कि भाई क्यों ना मैं अपना बिजनेस कर लूँ, क्यों ना मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर लूँ, वो उस चीज पे जाते ही नहीं। तो सर इसमें क्या हमारे वालिदैन और उस्तादा की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो स्टूडेंट को स्टार्ट से काउंसल करना स्टार्ट करें कि आप लोगों ने इस डिसिप्लिन को सेलेक्ट करना है, उसको फोर्सफुली क्यों भेजा जाता है? एक इंजीनियर से मेरी बात फर्स्ट ऑफ हुई। ऑल मेरी तरफ से सॉरी तमाम व्यूअर्स को कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया और उसके अलावा लाइट चली गई है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम शदीद आंधी और बारिश हो रही है। एंड सर मूविंग टूवर्ड्स माय सेकंड क्वेश्चन, एज एवरीवन नोज दैट इंजीनियरिंग इज अ वेरी सैचुरेटेड फील्ड, के ऑलमोस्ट पीएससी 50,000 इंजीनियर्स पर ईयर इस टाइम प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हम मार्केट प्लेस में जब देखते हैं हम उतने एम्प्लॉयड नहीं है जितने इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो सर व्हाट डू यू थिंक, कि क्या हम इतने स्किलफुल नहीं है, या हमारी डिग्रीज के अंदर किसी चीज़ की कमी है, या हमारे अपने पर्सनैलिटी के अंदर कहीं ना कहीं लैप्सिस है कि हम मार्केट प्लेस में जाकर फ्लरिश नहीं कर पा रहे, या उस तरीके से जॉब एक्वायर नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हम ग्रेजुएट होते हैं, यूईटी से होते हैं या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से होते हैं? नहीं बच्चे, एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए, जो बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है वो इस माइंडसेट से ही घुस रहा है कि उसने इंजीनियर बनना है, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी है, ये माइंडसेट उनका डेवलप हुआ हुआ है। एफएससी के बाद बच्चे को अंदाजा होता है कि भाई मैं फिजिक्स कर रहा हूँ या केमिस्ट्री कर रहा हूँ या मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, मैंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, मतलब टूवर्ड इंजीनियरिंग जा रहा हूँ, तो किसी वजह से जा रहा हूँ। ये तो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनका विजन सिर्फ इतना सा होता है कि मुझे जॉब मिल जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे बच्चों में माइंडसेट ही ऐसा डेवलप किया जाता है कि बेटा नौकरी करनी है तो आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट ही नौकरी करनी है, इसके अलावा नौकरी नहीं करनी। तीसरी चीज, बच्चे को ये च्वाइस ही नहीं दी जाती कि बेटा आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है सिर्फ नौकरी नहीं है, आप बिजनेस भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। अब क्या, अब आप एक चीज देखो कि डिफरेंट कंट्रीज है ना, जिस तरह चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, या डिफरेंट कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज है टेक्नोलॉजी वाइज प्रॉपरली, मतलब नजर आता है। पाकिस्तान में तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी तो आई नहीं ना, पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। अब यहाँ पे हमारा इंजीनियर को जो पढ़ाया जा रहा है वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली पढ़ाई जा रही। हम तो जो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यानी कि दुनिया के अंदर अगर 5G आ रहा है तो हम 5G पढ़ाएंगे, दुनिया के अंदर अगर IoT आ रहा है तो हम IoT पढ़ाएंगे, दुनिया के अंदर अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है तो हम पढ़ाएंगे। अब हम वो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्री में पढ़ाई जा रही है, वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में भी पढ़ाई जा रही है। हमारे बच्चों के पास भी वही स्किल सेट है जो डेवलपिंग कंट्री के पास, लेकिन प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के पास वो करीज नहीं है, वो हौसला नहीं है कि वो जो नॉलेज है उसको किस तरह मार्केट कर सके, उसको मार्केट के अंदर किस तरह बेच सके, ये करीज नहीं है।
दूसरी चीज ये कि आप देखो हमारी कौन सी इंडस्ट्री ऐसी होगी है कि सारी ऑटोमेटेड होगी, जबकि मैंने 2008 में ग्रेजुएशन की थी तब भी मैंने देखा कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑटोमेटिक कंट्रोल कार बना रहे थे, वो हमारे साथ थे जो क्या नाम है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे थे, कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे थे, कुछ थेफ्ट कंट्रोल बना रहे थे। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चीज मार्केट में नहीं है, कोई भी चीज मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं बनी। मैंने कहा लेट सपोज एक बच्चे ने कहा कि एनर्जी एफिशिएंट ट्यूबलाइट बनानी है, एनर्जी एफिशिएंट फैन बनाना है, एनर्जी एफिशिएंट एसी बनाना है, तो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमारा स्टूडेंट मार्केट में लेके आए, कोई भी, चाहे वो यूईटी का है, चाहे वो कॉन्सेप्ट का है, चाहे आईएसबी का है, किसी भी इंस्टीट्यूट का है, किधर है भाई हमारी प्रोडक्ट। उसकी रीजन ये है कि हम अपने इंजीनियर को बना ही इसलिए रहे हैं कि भाई लेबर के तौर पे दुनिया के अंदर कहीं पे भी चले जाओ लेकिन अपना काम ना करना। सर हमारी गवर्नमेंट्स का ये रोल होना चाहिए इसमें कि वो प्रॉपरली, जिस तरह डॉक्टर्स हैं हाउस जॉब होती हैं, वो प्रॉपर उस इदारे के साथ मुंसलिक रहते हैं और उस जिम्मेदारी में रहते हैं। हमारे इंजीनियर्स का सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जहां भी हम अप्लाई करते हैं हमें सबसे पहले पूछा जाता है एक्सपीरियंस है नहीं है। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ करूंगी कि देयर आर सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव बीन ऑप्टेड बाय अदर वर्ल्ड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर आप बात करते हैं मशीन या बिग चेन की बात करते हैं, तो सर इस तरह की टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के बाद वो जो कंट्रीज हैं वो उस तरह के इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस तरह की टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो चुकी हैं। सो टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम जो तो ये टेक्नोलॉजीज ही अडॉप्ट नहीं कर रहे तो हम कैसे वो इंजीनियर प्रोड्यूस कर सकते हैं? और आपको पर्सनली क्या लगता है, बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग? Should government take need to take any kind of serious action to adopt such technologies into own country? या हमारी universities उस तरीके से graduates को वो education provide नहीं कर रही हैं जो necessary है? नहीं, ये बात देखिए दो चीजें हैं, government की responsibility है, मैं दो levels पे कहता हूँ ना, एक responsibility government की, एक responsibility पाकिस्तानी engineer को। government की क्या responsibility है? government की responsibility आपको infrastructure दे, आपको रिसोर्सेज दे, आपको टीचर्स प्रोवाइड करे, पीएचडी डॉक्टर्स प्रोवाइड करे, अच्छे टीचर्स, ऐसे टीचर्स प्रोवाइड करे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन हासिल की है, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करे। अब पाकिस्तान एचईसी की बात करो ना, तो एचईसी का बेतहाशा बजट सिर्फ इसी बात में जाता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, पीएचडी करें और वापस आके इधर सर्व करें, यानी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ इस तरह का होता है कि 20% टू ईयर्स, थ्री ईयर्स या फाइव ईयर्स उन्होंने पाकिस्तान में सर्व करना है। तो मेजोरिटी लोग जो पीएचडी करके जाते हैं वो पाकिस्तान आके सर्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वापस रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से फुल टाइम सपोर्ट कर रही है। अब दूसरा रोल बनता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का क्या है कि दो अलग अलग फील्ड हैं टेक्नोलॉजी वाइज, एक आईटी है कंप्यूटर साइंस की है और एक इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें हमारे पास मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, ये डिफरेंट किस्म की फील्ड्स आ जाती। अब जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और जो कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड है वो आईटी का उनकी रेगुलेटरी बॉडी है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सीओसी कमेटी बनाई हुई है, फिर इसी तरह इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बोर्ड बनाया हुआ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूट जो है इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करे और स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स दे या जॉब दे, यहां तक पीईसी भी कुछ हद तक आपकी जरूरत पूरी कर रही है। दूसरा पीईसी क्या कर रही है कि आपको वॉशिंगटन अकॉर्ड से एक्रीडिटेड करके दे रही है, ओबी सिस्टम पे आपको बेनिफिट दे रही है। अब ओबी सिस्टम में जिसको भी डिग्री मिलेगी वो पाकिस्तान से बाहर, ऐसे कंट्रीज तकरीबन 17 या 18 कंट्रीज ऐसे हैं जो ओबी सिस्टम पे रजिस्टर है, और जो भी कंट्री ओबी सिस्टम पे रजिस्टर है वो आपको जॉब भी देगा। आप पाकिस्तान में जॉब करो या पाकिस्तान से बाहर जॉब करो, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिलेगी अगर आप पीईसी से एक्रीडिटेड हो, और अगर आपने पाकिस्तान से बाहर करना है तो अगर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ओबी सिस्टम पे एजुकेशन दी है तो हर वो कंट्री जो वॉशिंगटन अकॉर्ड से एक्रीडेटेड है वो आपको जॉब भी देगी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसी की और एचईसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर्स की, और दूसरी चीज ये है कि उस बच्चे की जिसने अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे टीचर जो होते हैं ना उन्होंने सारी उम्र सिर्फ टीचिंग ही की होती, बिल्कुल ऐसा ही, और टीचिंग के अलावा कुछ नहीं होता। वो बच्चे को कहते हैं कि बेटा या तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आप एमएससी करो और टीचिंग में आ जाओ, और या फिर एक जॉब कर लो, सही है ना?
और उनका विजन भी इस लेवल का नहीं होता कि भाई जॉब किस तरह करनी है या क्या करनी है, वो उस तरह ग्रूम भी नहीं करते बच्चों में। सर एक क्वेश्चन है मेरा उसमें, सर इशू क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है या लैक ऑफ स्किल्स हैं, हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है खासकर? बेटा सफर नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम बच्चों को ट्यून ही नहीं उस तरह करते। आप देखो ना, MBBS डॉक्टर होता है, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो साथ ही उसे हाउस जॉब की कंडीशन लग जाती है। हमारे इंजीनियर के पास कोई हाउस जॉब की कंडीशन तो नहीं है ना, हमारे इंजीनियर ने डिग्री कंप्लीट की तो अब वो डायरेक्टली जॉब की तरफ जा रहा है, वो डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर रहा, कहीं गेन नहीं, एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहा। जबकि अगर आप देखो हमारे जो, एक तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ने जो अटेंशन स्पैन है ना वो भी बहुत थोड़ा कर दी। हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम एक जॉब में जाते हैं जाके कहते हैं भाई मजा नहीं आया जॉब छोड़ दो, फिर दूसरी जॉब में जाते हैं नहीं मजा नहीं आया जॉब छोड़ दो। आप एक चीज देखो कि एक बंदा अनाउंस करे जॉब्स के लिए कि भाई हमें फॉर एग्जांपल 10 एम्प्लॉयज चाहिए, मैं कॉमसेट्स में इंटरव्यू कमेटी में भी हूँ, कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास 50-60 बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए और हमने सिलेक्शन करनी होती है एक दो बच्चों की और वो भी नहीं होती, हालांकि 50-60 बच्चे हैं सिलेक्शन। अब बात यह है कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैंने जो इम्प्लॉयर हायर करना है, जो इम्प्लॉय हायर करना है, मुझे रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए कि कम से कम इसका स्किल सेट इतना होना चाहिए, बच्चे के पास वो होता ही नहीं। उसकी रीजन पहला क्या बनती है, मैं अपनी जिंदगी में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था मैंने सबसे पहले टीचिंग शुरू की थी, लेकिन उस दौरान मैंने पॉकटेल में भी इंटर्नशिप की, मैंने पेल में भी इंटर्नशिप की, एक छोटी सी UPS की दुकान पर भी इंटर्नशिप की, मैंने CCTV कैमराज भी लगाए, मैंने जो है इंडस्ट्रियल ऑडिट भी किया। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज मैंने जॉब नहीं की, मैंने सैलरी नहीं ली कहीं से, सही है ना, लेकिन मैंने सब में काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट काम। बेटा जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है उसका विजन भी तो इस तरह ही होना चाहिए ना कि भाई मैंने मेहनत करके अपना स्किल सेट डेवलप करना है, वो अगर स्किल सेट ही ना डेवलप करे तो कैसे इंडस्ट्री ले, इंडस्ट्री को डिग्री नहीं है, इंडस्ट्री सैलरी डिफाइन करेगी ना। असल बात तो यह है कि उसका स्किल सेट उस तरह है भी है कि नहीं। मेरे साथ एक बच्चा था, मैं आपको एक सिंपल बात बता, मेरे साथ एक बच्चा था वो सिंपल उसका इंटरेस्ट था कि टेक्निकल साइड पे उसने अपने आप को ग्रूम कर रहा है, पहला सेमेस्टर था, मिड टर्म अभी शुरू नहीं हुआ। अब आप देखो FSC के बच्चे के पास कितना नॉलेज होगा, वो ज्यादा नॉलेज तो नहीं होगा ना। अब वो सेमेस्टर शुरू हुआ है FSC के, मतलब FSC के बाद वो स्टार्ट हुआ है, मिड टर्म के बाद एक कंपटीशन आया गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट में, तो उसने कहा भाई मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है लाइन फॉलोइंग रोबोट में। अब लाइन फॉलोइंग रोबोट में इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक कोर्स उसने पढ़ा हुआ था, उसी बेस पे उसने लाइन फॉलोइंग रोबोट बना लिया, एक दूसरे की हेल्प लेके, मेरे से कुछ हेल्प ली, चला गया गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट में। उधर जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे, कोई फोर्थ सेमेस्टर का था, कोई फिफ्थ सेमेस्टर का था, कोई सिक्स सेमेस्टर का था, और सारे माइक्रो कंट्रोलर की बेस पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, और वो बच्चा ऐसा था जिसने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक की बेस पे कर रहा था। अच्छा, GK के पॉलिसी ये थी कि जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसका इंटरव्यू भी लेंगे, पूछेंगे भी, और उन्होंने उस बात पे अप्रिशिएट किया कि आज के जमाने में भी कोई बंदा ऐसा है कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्रोजेक्ट करके आया हुआ। 14 पार्टिसिपेंट थे जिसमें अकेला वो प्रोजेक्ट ऐसा था जिसने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ था, बाकी सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे। क्यों बोले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, क्योंकि वो सिर्फ पहले सेमेस्टर का बच्चा था, उसने अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी नहीं थी। वो वापस आया, उसने टारगेट बनाया कि भाई मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। दूसरे सेमेस्टर में उसने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक वर्कशॉप कराई जिसके अंदर 16 बच्चों को ट्रेन किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और हर सेमेस्टर में वो वर्कशॉप कराता रहा, सही है ना। और तकरीबन 4 साल बाद वो जब वो ग्रेजुएट हुआ तो उसके पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस था। मेरे जितने भी स्टूडेंट है सबसे ज्यादा सैलरी वो बच्चा लेता, सही है ना। सर इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इस हवाले से कि आई हैव बीन सर्विंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। सर हमारे एडमिशंस ओवरऑल द पाकिस्तान कम हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसकी रीजन क्या हो सकती है आपकी नजर में? इसकी रीजन सिर्फ एक है, फीस। आपने कभी सुना है UET के एडमिशन कम हुए? आपने सुना है कभी कॉमसेट्स के एडमिशन कम हुए? आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सुना है कि एडमिशन कम हुए? सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के क्यों कम हो रहे? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने सारी तवज्जो फीस पे डाली हुई है कि फीस लो जी 12 लाख हो गई है, 13 लाख हो गई है, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। मैं देख रहा हूँ कि कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी लेवल पे भी नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बिल्कुल लो ग्रेड के, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि कहीं पर मुकाबला भी नहीं कर सकते आप।
यानी कि जो सर बच्चे हमारे, अफोर्ड ही नहीं करते वो कैसे आएंगे इधर? सर हमारे इधर साउथ पंजाब में अगर बात की जाए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, आईएसपी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट के जिसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है, आपकी लैब्स वेल इक्विपमेंट है, इवन दूसरे यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं स्टूडेंट्स है डिपार्टमेंट से यहाँ पे आते हैं लैब्स के लिए। लेकिन सर ये चीज मैंने नोट की है, एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रहा था, ईयर 2012 से आज तक एडमिशंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में कम हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में लोग इस वजह से नहीं आते, उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट वाले कुछ अलग तरह का रवैया उनके साथ रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं अपने इदारे को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ कि ये लोगों के जहन में बात बैठती जा रही है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं सर? बेटा एक बात तो याद रखो, मैंने खुद ग्रेजुएशन जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ली हुई, मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ली, मेरी ग्रेजुएशन यूसीपी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की, और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और मैं पहले या दूसरे सेशन का बच्चा था, मैंने कोई वो, अब तो यूसीपी जो है कितने ज़्यादा सेशन प्रोड्यूस कर चुकी है। मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 2008 में ग्रेजुएट हुआ और अब 2020 12 साल हो गए। अगर पहला सेशन भी था हमारा, दूसरा सेशन था, तो कितने ज़्यादा उन्होंने स्टूडेंट प्रोड्यूस कर दिए होंगे। जो चीज़ है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, वो बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन बराबर ही है। प्रॉब्लम कुछ एक चीज़ मैंने यूसीपी में देखी थी, बाकी इंस्टीट्यूट्स में कम है, क्योंकि यूसीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो स्कूल भी पढ़ा रही है, फिर कॉलेज में भी पढ़ा रही है, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जा रही है। फिर उनकी आदत यह है कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर जाना है तो उन्होंने पहले जाके अपने कॉलेजेस में जाके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करना है और बताना है हमारे ये डिपार्टमेंट है, हम आपको ये फैसिलिटेट करेंगे, तो उस हिसाब से वो स्टूडेंट का इंटेक खुद ही खींच लेती। हमारे जो जारी बात है, ये एक प्लानिंग के बगैर नहीं स्टूडेंट आ सकते। प्रॉब्लम तो सर इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बेटा, होता क्या है, रोल मॉडल नहीं बनते। जी जी। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में कोई रोल मॉडल है ही नहीं। हमने एक इंजीनियर सुना था डॉक्टर अब्दुल कदीर, उसके बाद किधर गए हमारे इंजीनियर्स? हमने कौन सी चीज ऐसी है जो प्रोड्यूस की है, जो नजर आए कि भाई हमारे इंजीनियर्स ने प्रोड्यूस किया? या हम कहें कि भाई जिस तरह मैं अगर अपनी फैमिली के लिए रोल मॉडल बनूंगा तो मेरे आने वाले जो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन के बच्चे हैं, वो भी इंजीनियरिंग वाले फील्ड में चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं रोल मॉडल ही नहीं बनूंगा तो वो क्या कहेंगे, वो मेरी इंजीनियरिंग फील्ड की बजाय किसी और फील्ड में चले जाएंगे। तो क्या रोल मॉडल क्यों बनता है? उसकी दो रीजंस बनती हैं, या तो मैं कोई अच्छी चीज ऐसी प्रोड्यूस करूं जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, और जो दूसरी चीज ये है कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा हो, सही है ना? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है कि हमारा इंजीनियर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है वो कहता है मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, अब मैंने कमाना है और उनको कमा के देना है। अब वो खुद कमाने, खुद कमाने की कोशिश करने में वो फंस जाता है। वो जो स्किल सेट उसे डेवलप करना चाहिए, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने नहीं उसे डेवलप करके दिया और उसके बाद उसने भी नहीं मेहनत की स्किल सेट डेवलप करने के लिए। हमारे बच्चों सर, में भी यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी, सॉरी टू कट यू सर। हमारे बच्चों में भी एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमने 4 साल की एजुकेशन हासिल कर ली और उसके बाद मेरी एजुकेशन कम्प्लीट होगी, इसके बाद अब मुझे कोई जरूरत नहीं है एजुकेशन हासिल करने की, अब मैं जॉब करूंगा और कमाइयां करूंगा। एक बात हमेशा याद रखनी, मरने तक आपने एजुकेशन हासिल करते रहे। हम प्लेनेट ऑफ चेंज में सरवाइव कर रहे हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में Pentium 1 देखा, Pentium 2, आज लो जी i3 आ गया, i5, i7 आ गया। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में आप देखो पिछले 5 सालों को ही देख लो तो किधर 1 GB रैम वाला मोबाइल फोन यूज होता था, आज 8-8, 10-10 GB की रैम वाला भी यूज होता है। किधर सिर्फ 4 GB उसकी रोम होती थी, आज 128 GB भी आई है, तो तब भी हम कह रहे हैं थोड़ी है। देखो कितना रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम उस लेवल पे कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, चाहे हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी। वो आपसे कहेंगे भाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है आपको, कि नहीं पता, उन्होंने कहा नहीं आपको हम नहीं हायर कर सकते। जी बच्चे आप पूछ रहे। सर इसी के हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि हम लोग वैसे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना के अंदर इस टाइम ऑलमोस्ट 60,000 चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर हम अपने इंजीनियर्स की बात करते हैं तो हम लोग भी इक्वली ग्रेजुएटेड हैं, हम लोग यूटी से निकले या किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से निकले, लेकिन हमने ग्रेजुएशन भी सिविल में किया है, मैकेनिकल में किया है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, हम लोग भी इक्वली ग्रेजुएटेड है।
बट द प्रॉब्लम इज जस्ट दैट कि हमारा प्रोजेक्ट है लेकिन हमने हायर बंदे कहाँ से किए हैं? अब्रॉड से किए हैं, चाइना से किए हैं, जर्मनी से किए हैं, कहीं से भी किए हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने नेटिव लोगों को आगे लाने की जरूरत है? जो ग्रेजुएट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा किए जा रहे हैं, आप अगर उनको वहां पर जम कर देते हैं, वहां चाइनीज इंजीनियर्स के बजाय पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अगर आप ले आते हैं तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ना एक चीज़ मुझे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमेशा इख्तलाफ रहा है इस बात पे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग यस सर काउंसिल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमारे इंजीनियर्स को किसी तरीके से ग्रूम करे, इस लेवल पे ग्रूम करे वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम खुद प्रोड्यूस कर सके। देखो वो यस कहते हैं ना, हमने बड़े बूढ़ों से सुना हुआ है कि हुनरमंद बंदा जो है वो कभी भूखा नहीं मरता। तो जो इंजीनियरिंग है वो भी बिल्कुल तो एक ऐसे ही। हुनर ही है ना, एक स्किल ही है ना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, देखो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना पाकिस्तान में आज तक प्रोड्यूसर सारे रजिस्टर्ड है। मेरा एक पर्सनल आइडिया जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को करना चाहिए कि वो क्या करे कि भाई ऐसे बंदे जो एक्सपर्ट्स हैं किसी भी फील्ड के, उन उनको साथ लगाए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि 4-5 स्टूडेंट्स के साथ, तो कंपनीज बना बना के डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर। हमारे पास इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनके पास विजन नहीं है, उनके पास गोल नहीं है, उनकी माइंड इस तरह ग्रो ही नहीं किया गया कि उनको सोचा जाए कि भाई जो तुमने डिग्री हासिल की है वो सबसे बेहतरीन है, इससे बेहतर कोई डिग्री हो ही नहीं सकती। अब जो स्किल सेट, आप देखो छोटे से छोटी चीज हमारे घर में इस्तेमाल हो रही है, यूपीएस इस्तेमाल हो रहा है, सही है। मैं कहता हूं बिल्कुल कि मेरा जो यूपीएस घर में इस्तेमाल हो रहा है वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। मेरा एक यूपीएस अगर 10 वॉट एनर्जी ले रहा है तो वो आपको इन रिटर्न जो दे रहा है वो 6 वॉट है। मेरा अब इंजीनियर का स्किल सेट होना चाहिए कि इस यूपीएस को इंप्रूव किया जाए। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, हम कहते हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करना चाहिए, जबकि हमारे डोमेस्टिक लेवल पे पावर फैक्टर 0.65 तक भी जाता है। हमारे घरों में जो ऐसे लोग हैं एनर्जी सेवर हैं, हमारे ट्यूबलाइट्स हैं, हमारे घरों में पंखे हैं, वाटर पंप्स हैं, सारा इंडक्टिव लोड है, पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर है, 0.65 तक चला जाता है। ऑलमोस्ट 40-45% आपकी बिजली लॉस हो रही है यहाँ पे। मैं सिंपल 2-3-4 कैपेसिटर्स लगाऊंगा, मैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लूंगा, लेकिन हमारा इंजीनियर इस काबिल नहीं है कि वो इस चीज को सोच सके। क्यों क्यों तो क्योंकि सर उसके इस पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो फंस रहा है। मैं यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स अगर मेरे बात को सुन रहे हैं इस बात पे इनकरेज करूंगा कि बेटा नौकरी करनी है एक बात अलग है, लेकिन अगर नौकरी नहीं करनी, आपने बिजनेस करना है या कोई अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढनी है, तो मुफ्त किसी जगह पे काम करो, एक रुपया नहीं लेना उससे। मैंने खुद यूपीएस की दुकान पे मैं बैठा हूं, मैंने एक रुपया नहीं लिया उससे। वो मेरे से बहस करता था, मैं उसे कहता ट्रांजिस्टर ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, या हीट सिंक या ट्रबल शूट ऐसे करना है, मैं उसे बहस भी करता था, लेकिन मैंने एक रुपया नहीं लिया। लेकिन मैंने जो उससे सीखा मैंने किसी और से नहीं सीखा। मैंने ट्रांसफार्मर की दो सर वो कंपनी कहते के हैं अंदर ना, इंटर्नशिप की थी और तकरीबन 4-4, 5-5 महीने इंटर्नशिप्स की हैं, और उनके अंदर एक एक चीज ट्रांसफार्मर बनाने की मैंने सीखी है, लेकिन मैंने एक रुपया नहीं लिया। सही है। तो ये जो सर चीजें हैं वो ना, इंजीनियर की शान में कमी हो जाती थोड़ी सी ना, वो ये काफी लोगों का मानना है कि हम लोग माशाल्लाह एक अच्छे इदारे से पढ़ के जा रहे हैं तो 4 साल बाद हम इस तरह ना तो किसी इंटर्नशिप पे रहेंगे जो नॉन पेड हो, ना किसी ऐसी हम ट्रेनिंग पे जाएंगे जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट ना मिले। ये एक सर नेचुरल फिनोमिना है, मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ सर। ये इसमें गलत मैं है। एक छोटी प्रॉब्लम सी क्या है चीज, इसमें? कसूरवार सोशल मीडिया, इसमें कसूरवार पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें कसूरवार गवर्नमेंट नहीं है, सोशल मीडिया। हमारा अटेंशन स्पैन, मैंने फेसबुक खोली, एक वीडियो नहीं पसंद आई मैंने दूसरी कर ली, दूसरी नहीं पसंद आई मैंने तीसरी खोल ली, या मैंने कोई यूट्यूब खोली और मुझे ये वाली वीडियो नहीं पसंद आई मैंने दूसरी खोली, हमारा अटेंशन स्पैन ही नहीं है उतना। मैंने कई बच्चों से मिला कि भाई मैंने 2 महीने जॉब की, उसके बाद मुझे जॉब पसंद नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी, अब क्या कर रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, जी कुछ सर, नहीं हमारी कर यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना शॉर्ट है, शॉर्टर है। अगर आप कोविड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बड़ी जल्दी एक मूवी से बोर हो जाते हैं, एक एक्टिविटी से बोर हो जाते हैं, स्पेसिफिक काम हम कर रहे हैं हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत शॉर्टर है। टेम्परामेंट हमारा बड़ी जल्दी लूज हो जाता है। नहीं, वही चीज है ना। देखो आजकल COVID-19 की सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में बेतहाशा ऐसी चीजें जो हमारे इंजीनियर्स बना सकते हैं, जिस तरह मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, ये जो क्या नाम है वॉक थ्रू गेट्स है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है,
इसको बनाने में क्या मसला है, सही है ना। हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है इसके अंदर मैं कहूँ कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस बनानी है तो क्या बनाने में मसला है। सिंपल, अगर आप देखो ना कि भाई अंधेरा है तो लाइट चल जाए, जो है जैसे ही रोशनी आई लाइट खुद ब खुद बंद हो जाए, या सीढ़ियों पे अगर कोई बंदा चल रहा है तो लाइट चल जाए, जैसे वो बंदा गुजर गया थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाए, रूम के अंदर कोई बंदा है तो लाइट चल जाए, रूम के अंदर बंदा नहीं है तो नहीं चले। ये डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो आराम से किए जा सकते हैं, सही है ना। इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिसेबल के रेलिवेंट, आप देखो ना व्हीलचेयर्स पाकिस्तान में बनती हैं, हाँ जी बनती हैं, लेकिन कोई व्हीलचेयर ऐसी बताओ जो ऑटोमेटिक बनती है, जो जॉयस्टिक से कंट्रोल हो, पाकिस्तान में बनती है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं बनती। हम जितनी भी व्हीलचेयर हैं पाकिस्तान से बाहर इम्पोर्ट कर रहे हैं, सही है ना। सर, चलो ये व्हीलचेयर, इसके बारे में एक चीज पूछना चाहूंगी कि हमें अगर छोटे से सेंसर की भी जरूरत होती है, हमें सिलिकॉन चिप की भी जरूरत है, हम उसको इम्पोर्ट क्यों करवाते हैं? हम उसको नेटिवली खुद उसको बिल्डिंग करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये लैक ऑफ बात का तो इंडस्ट्रीज आंसर है या सिंपल सा है। पीजीसी? देखो नहीं, इस जी बात का सर, आंसर तो सिंपल सा है कि ये ना इनकी एक कॉस्ट होती है ना, जाहिर बात है एक मशीन है जिसने एक आईसी चिप प्रोड्यूस करनी है, सिलिकॉन चिप प्रोड्यूस करनी है, या एक रेजिस्टेंस, जी एक सर, कैपेसिटर, एक इंडक्टर प्रोड्यूस करना है। हमारी मार्केट ही नहीं है इतनी कि वो सारी जो वो प्रोडक्शन करे उसे अब्जॉर्ब कर ले। आप देखो पाकिस्तान में कैपेसिटर बनाने की इंडस्ट्री लगी हुई है और बहुत ज्यादा है, एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा है। पंखे बनाने की इंडस्ट्री लगी हुई है और बहुत ज्यादा है, क्यों? हमारी की मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, सही है ना। लेकिन हमारी मार्केट में रेजिस्टर बनाने की इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, हमारी मार्केट में इंडक्टर बनाने की इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, हमारी मार्केट में ट्रांसफार्मर बनाने की इंडस्ट्री लगी हुई है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करती है, हमारी मार्केट में वायर बनाने की इंडस्ट्री लगी हुई क्योंकि उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन देखो ना, एक इंडस्ट्री ने जब बनना है तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी ना। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहता है मेरी आरओआई कितनी होनी चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब होनी चाहिए, उसका टारगेट होते हैं 3 साल, 4 साल, 4 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल रेजिस्टर बनाने की इंडस्ट्री लगा लूँ, एक सिलिकॉन चिप बनाने की इंडस्ट्री लगा लूँ, उसकी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 साल हो जाए, तो वो क्यों करेगा? वो तो नहीं करेगा ना, वो कहेगा नहीं इसका कुछ फायदा नहीं। इसमें मैं एक सर चीज ऐड करना चाहूंगा, अक्सर जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा होता है तो वो ग्रेजुएशन के टाइम पे उसकी परेशानी स्टार्ट हो जाती है इन 6th 7th सेमेस्टर के, मैंने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, हायर स्टडी की तरफ जाऊं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं। इस टाइम पे डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए और किन पॉइंट्स को बेस बना के हम डिसीजन ले सकते हैं, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इसके बारे में पूछते हैं अक्सर औकात। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहता हूँ हमारे पास 4 अपॉर्चुनिटीज है, जो भी बच्चा ग्रेजुएट हो वो 4 अपॉर्चुनिटीज लेके बाहर निकले। उनमें पहली अपॉर्चुनिटी जो मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और इस्लाम भी कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है भाई 90% रिस्क जो है वो तजारत में, 90% रिस्क जो है वो बिजनेस में है। पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है? बिजनेस करना। आपके पास वो स्किल सेट है जो 95% लोगों के पास नहीं है। आप ग्रेजुएट होके बाहर मार्केट में निकल रहे, 5% लोग हैं जो पाकिस्तान में ग्रेजुएट है, और 95% ग्रेजुएट नहीं है। इसका मतलब जो 95% है उनके पास नॉलेज आपसे कम है, लेकिन वो छोटे से स्किल सेट पे मार्केट में बैठे हुए। एक इलेक्ट्रीशियन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा कमाई क्यों कर रहा है? उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रीशियन के पास एक स्किल सेट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने जहमत ही नहीं की करने की, सीखने की जहमत नहीं की। हालांकि एक कोर्स पूरा पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रीशियन का, पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं करता। अब देखो, आप नॉलेज की तो बहुत ज्यादा चीज का नॉलेज ले रहे हो, लेकिन आपने जब बिजनेस करना है इतनी छोटी सी चीज का बिजनेस करना, अगर आप उस छोटी सी चीज के ऊपर अपनी तवज्जो दे दोगे ना तो आप उस छोटी सी चीज को बेच दोगे। जिस तरह ऊबर होगी, क्रीम होगी, एक छोटा सा आइडिया ही है ना, उसको ही वो बेच रहे। तो जो पहला आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है एंटरप्रेन्योर की या बिजनेसमैन की। कोई भी चीज का आप बिजनेस कर सकते हो, ये नहीं है कि स्पेसिफिकली आप इंजीनियर बन गए हो, आपने इंजीनियरिंग के अलावा कोई बिजनेस नहीं करना, आप कोई भी चीज का बिजनेस कर सकते हो। जो पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो बिजनेस है। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो है जॉब की। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे पास अटेंशन स्पैन नहीं है, हम उस मार्केट को टच ही नहीं करते। जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है हम उस लेवल पे अपना स्किल सेट डेवलप ही नहीं करते। एक एक जॉब एक एम्प्लॉयर है ना, उसने आप पे पैसे खर्च करने, उसने कहना मैंने आपको 20,000 रुपया सैलरी देनी है, तो इसका क्या मतलब है? वो आपसे 20,000 का काम कराएगा? नहीं, वो आपसे कोई 1,00,000 रुपए का काम करवाएगा। वो कहेगा मेरा 20-25,000 रुपया खर्चा है, 20-25,000 रुपया मैं आपको सैलरी दूंगा और कुछ 40-50,000 रुपया मैं बचा के लेके जाऊंगा।
और एक अच्छा इम्प्लॉय अपनी सैलरी पूरी करता है, वो अपनी सैलरी पूरी करता है काम। मैं आपको सिंपल, मैं सोलर इंडस्ट्री को देखता हूँ बड़े करीब से, मैं 10 साल सोलर एनर्जी से रेलेवेंट काम करता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में बैठे हुए। वो सिंपल क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बंदे को हायर किया, उसे कहा भाई तुम सेल्स इंजीनियर हो, तुम्हारा काम क्या है, बेचना। किस चीज को बेचना, सोलर पैनल्स को बेचना। अगर तुम 100 किलो वॉट का सोलर पैनल बेच दोगे एक महीने में, तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया सैलरी दूंगा। कितना उसने बेचा, 1,00,000 वॉट बेचा, पैसे कितने मिले, 1,00,000 रुपया मिला। सैलरी तो बड़ी हैंडसम है, यानी कि पर वॉट उसे 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो पर वॉट 10 रुपए कमा रहा है। उस 10 रुपए में से 9 रुपए वो खुद रख रहा है, 1 रुपया उस बंदे को दे रहा है, लेकिन वो सेल करके दे रहा है। अच्छा, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है, पहली एंटरप्रेन्योर है, दूसरी क्या है, जॉब। तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप टीचिंग वाली फील्ड में चले जाओ, यानी कि एमएससी करो, पीएचडी करो और टीचिंग ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या तो आप एमएससी करके टीचिंग कर लो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली साइड पे चले जाओ, यानी कि कोई प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दो। ये तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जिसमें मैं कहता हूँ एक इंडिपेंडेंट सेमिनार हो सकता है, काफी डिटेल में हम इसे बता सकते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसी हवाले से चौथी अपॉर्चुनिटी है क्या, फ्री। आपको आवाज आ रही है सही जी? मुझे अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री लांसर बन सब। आवाज आ रही है आपकी जी बच्चे? आ रही है जी, जी सर आ रही है। तो चौथी अपॉर्चुनिटी आपका फ्री लांसर बन जाओ, लेकिन फ्री लांसर में भी आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। देखो सही से के ऊपर बात करनी है। हां, तो मैं आपको कह रहा हूं, जब आप स्किल सेट डेवलप करते हो ना, फिर आप अपने आप को बेच सकते हो। आप समझो कि आपका जो बिगेस्ट एसेट आपके पास है वो आपका दिमाग है। आपने जो पैसे लगाए हैं, अपनी डिग्री हासिल किया, वो बेसिकली आपने अपना एसेट डेवलप किया, अपना दिमाग डेवलप किया। अब उस दिमाग के अंदर आपने टोटल 34 सब्जेक्ट्स पढ़े, उन 34 सब्जेक्ट्स में एक छोटा सा सब्जेक्ट मैं कहूं कि लो जी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में पूरा बिजनेस कर सकते, जॉब कर सकते, दोनों काम कर सकते। एक छोटा सा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते। एक छोटा सा सब्जेक्ट है कंट्रोल, उस पर बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते। कम्युनिकेशन, पावर, हर फील्ड आपके लिए जॉब भी है और बिजनेस भी, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, उसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में सर मैं बात करूंगी, बीइंग ह्यूमन वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज बट समहाउ वी आर रेजिस्टेंट एज वेल। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बाकी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर ली हैं, फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन की बात करते हैं या हम मोबाइल होम्स की बात करते हैं, तो ये बाकी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर ली हैं, बट इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस हम इसके अडॉप्टेशन में फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं क्योंकि हम डर रहे होते हैं। पहला सर ये है, और सेकेंड सर आपने बात की जैसा फाइवर के ऊपर चले जाएं, आप ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर चले जाएं। सर इसी के हवाले से मैं बात करूंगी कि इस टाइम 90% पाकिस्तान जो के लेस देन द एज ऑफ 35 वो इंटरेस्टेड है कि वो ऑनलाइन काम करें, सब ऑनलाइन कर भी रहे हैं, बट देयर इज अ वेरी सीरियस कंसर्न कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पेपॉल कोई भी एक सीरियस प्रोसेस पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन का नहीं है, यानी पेपॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको अगर ट्रांजैक्शन करनी है आपको सऊदी अरब से करनी पड़ेगी या आपको किसी भी एमिरेट कंट्री से करनी पड़ेगी। तो सर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस सिनेरियो में कुछ सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है कि आपका 90% ग्रेजुएट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन काम में और आपने ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी आपका सीरियस मेजरमेंट ही नहीं है जो आपने लिया हुआ हो? अच्छा मैं दोनों क्वेश्चन का, आपने एक क्वेश्चन ये किया कि हम क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है तो टेक्नोलॉजी वाइज हम वेरी पुअर इन दिस रिगार्ड। नहीं बेटा, बात ये हमारा विजन भी नहीं। हम जब देखो आपको एक, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके आईएसपी इंस्टीट्यूट में फीस कितनी है, 4 सालों में फीस कितनी लेते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? सर हमारी बाकी सदर्न पंजाब में अगर हम बात करते हैं, आईएसपी इज द वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्टर, और दिस इज आल्सो वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट जो कि स्टूडेंट्स को सर बहुत चीजें प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ उनको डिग्री नहीं दे रहा, जैसे सिर्फ फीस पूछ रहा हूं। फीस हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है सर, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। जन्म में बात तकरीबन 10 लाख के करीब होगी, तकरीबन 10 लाख लगा ले ठीक है ना, 10 लाख का मतलब यह है कि पर सेमेस्टर 1,25,000 के करीब चार्ज कर तकरीबन। अगर मैं इतनी ही फीस बात करूं ना, देखो 1,25,000 रुपया, अगर मैं कहूं कि मैं एक इंजीनियर हूं, मेरे पास एक स्किल सेट है, मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर हमारे से। नहीं सर, अच्छा सरमद आपको आवाज नहीं आ रही?
अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ, हाँ मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास, हाँ मेरे पास एक स्किल सेट है। अब क्वेश्चन दिया है कि मैंने कोई काम करना है, क्योंकि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठा हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उस लेवल की जॉब्स नहीं है जो एक इंजीनियर के हिसाब से होनी चाहिए थी। जो टेक्नोलॉजी या जो स्किल सेट मैंने गेन किया है उस लेवल की एजुकेशन मेरे पास नहीं, मतलब एजुकेशन है लेकिन जॉब्स नहीं है। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है, मेरे वाले साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने उनको बड़े करीब से देखा हुआ है और हम बेतहाशा इंडस्ट्री मैंने अपनी जिंदगी में बनते हुए देखी हुई है। जितनी भी इंडस्ट्री यार, यहाँ से हॉटस्पॉट तो बंद करना, ऊपर से तूने यहाँ से कनेक्ट किया था, यहाँ से ऑफ कर, तुझे कह रहा हूँ। 1995 या भाई तो कर तो देना, 2000 की वो मशीन्स लगी हुई है, फर्क पड़ेगा आज से 20 साल पुरानी, आज से 25 साल पुरानी मशीन्स लगी हुई हमारे पास, ऑफलाइन 20 की मशीन्स नहीं लगी हुई, असूलन होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं है, सही है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इंजीनियर कह रहा है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जॉब करें, और मार्केट में वो ऐसी इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं। अब इंडस्ट्री बहुत थोड़ी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक एडवांटेज भी है, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। एडवांटेज क्या है कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई नहीं जो आप बना सकते हो। मैं एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी की दो डेफिनेशन होती है ना, एक है आप 100% न्यू आइडिया को लेके चलो, और दूसरी क्या है, आप न्यू आइडिया को ना लेके चलो, नहीं आप क्या करो, कोई एक आइडिया पकड़ो किसी डेवलपिंग कंट्री में ऑलरेडी हो रहा है, उसी आइडिया को लेके इधर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दो, सस्ती चीज प्रोडक्ट बना के बेच दो, या कोई और उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट ला के बेच दो, तो आपके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सही है ना। एक तो नया आइडिया, दूसरी चीज ये है कि आप जो है जो पुरानी चीज जो ऑलरेडी किसी और कंट्री में हो रही है एज इट इज, वही प्रोडक्ट आप इधर मार्केट में लॉन्च कर दो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा इस हवाले से, एक मिनट, दूसरा आपने सवाल पूछा फाइबर वगैरह से फ्रीलांसर के तौर पे, जो आप कह रहे हो ना पेपर वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम फाइबर पे काम नहीं कर सकते। आपको शायद पता है कि नहीं पता, 33rd नंबर पे है पाकिस्तान ऑनलाइन सर्विसेज में या फ्रीलांसिंग में, 3rd नंबर पे पाकिस्तान है, सही है। और एक टाइम ऐसा भी था पाकिस्तान 2nd नंबर पे था, पहले नंबर पे नहीं गया, लेकिन पहले नंबर पे इंडिया है, 2nd नंबर बांग्लादेश है, 3rd नंबर पे पाकिस्तान है, और किसी टाइम ऐसा होता है पाकिस्तान बांग्लादेश से ऊपर चला जाता है। All Asian countries are on top. नहीं, all Asian countries are on top. लेकिन आप जो चीज, यही एक अच्छी बात है हमारे लिए। आप देखो अभी PayPal नहीं है, अभी PayPal नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत ऊपर हो। आप देखो Amazon सर्विसेज में भी आप ऊपर हो, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज में भी ऊपर हो। ये बड़ी अच्छी चीज है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में अगर नहीं होने के बावजूद भी, और आजकल तो सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपको PayPal की जरूरत नहीं है। Amazon में PayPal की जरूरत है, लेकिन Fiverr या Upwork में PayPal की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सही है। तो इसलिए कोई मसला नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्किल सेट है कि हम Fiverr में अपने आप को बेच सके, हमें क्या वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, क्या हमें नेटवर्किंग आती है, या क्या हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, क्या हमें Arduino पे काम करना आता है, क्या हमें माइक्रो कंट्रोलर पे काम करना आता है, क्या हमें कॉन्टेंट राइटिंग आती है, क्या हमें रिसर्च पेपर लिखना आता है, कोई क्या हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कोई भी ऐसा स्किल सेट है आपके पास जो आप बेच सकते हो? अगर है तो आ जाओ फाइबर पे। आप सीन डेवलपमेंट में भी फाइबर में जॉब है, लोगो डेवलपमेंट में भी फाइबर में जॉब है, तो बेतहाशा है। और सिर्फ फाइबर एक है, इसके अलावा टोटल 10 से 12 वेबसाइट्स हैं जो एक्टिवली वर्क कर रही हैं। अपवर्क है, फाइबर है, ये तो दो हैं, मैं कह रहा हूँ 10 से 12 वेबसाइट्स हैं जो वर्क कर रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, शेयर कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि आपके पास स्किल सेट है, अगर स्किल सेट है तो बेच दो, सही है ना। तो सर ये स्किल सेट के हवाले से मैं एक चीज ऐड करूंगा, स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है क्या उसके लिए जरूरी है वो किसी सॉफ्टवेयर पे ग्रिप करे, कोई उसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए, लाइक उसने अगर लेट्स से उसने फ्रीलांसिंग ही करनी है, तो क्या इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं वो उसके लिए इनफ है, या उसके अलावा भी कुछ ऐड होना चाहिए उसमें? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, उससे रेलेवेंट 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे नॉर्मली C++ कहते हैं। C++ में प्रोग्रामिंग के 4 हिस्से, एक इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, क्या हमारे इंजीनियर्स को नहीं आता इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, दूसरा हिस्सा क्या है, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगानी है, इफ एल्स कैसे लगानी है,
तीसरा हिस्सा क्या है, मैंने लूप कैसे लगाना है, फोर लूप वाई लूप कैसे लगाना है, चौथा हिस्सा क्या है, डाटा को कैसे मैनेज करना है। अगर हमारे इंजीनियर्स को ये चार चीजें आती हैं ना, तो मैं प्रोग्रामिंग की कोई भी जॉब में ले सकता हूँ, चाहे वो पाइथन में, चाहे वो सी प्लस प्लस में, चाहे वो जावा में, मैं तीनों ले सकता हूँ। तो सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा लोगों का इतना फोकस नहीं है, इवन ना इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ना यूनिवर्सिटीज का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे मैक्सिमम प्रमोट किया जा सके और स्टूडेंट्स को बावर करवाया जाए कि सब ने रिसर्च करनी ही करनी है और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से करनी है, कैसे सर इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है? बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान तरीका क्या है कि बेटा कोई छोटी से छोटी चीज भी प्रोड्यूस करो। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, देखो एक सबसे आसान प्रोजेक्ट है, आपने चुटकी बजाई लाइट ऑन होगी, चुटकी बजाई लाइट ऑफ होगी, सिंपल प्रोजेक्ट है ना, क्या हमारा इंजीनियर नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर मैं ये सीढ़ियों पे लगा दूं और मेरे पांव का आवाज आए तो लाइट ऑन हो जाए, और अगर सर्टन टाइम के बाद लाइट ऑफ हो जाए, किससे बनेगा? कोई माइक्रो कंट्रोलर चाहिए? नहीं, सिंपल एक 555 टाइमर से यह प्रोजेक्ट बन जाए। एक माइक चाहिए, एक 555 टाइमर चाहिए, प्रोजेक्ट बन गया। क्या ये मार्केटेबल प्रोजेक्ट है? हाँ जी, बहुत मार्केटेबल प्रोजेक्ट है। जितने प्लाजाज हैं, जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उसकी सीढ़ियों में ये प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। हम क्यों नहीं लगाते? हमारा इंजीनियर क्यों नहीं लगाता? सही है ना, क्योंकि हमारे इंजीनियर के पास कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी प्रोडक्ट बनती है आईओटी, इंटरनेट ऑफ कॉन्फिडेंस इंजीनियर को बेसिकली देगा कौन? उसकी जो यूनिवर्सिटी है जहां से वो ग्रेजुएट हुआ है, या उसकी गवर्नमेंट देगी? तीन पर्सनैलिटी है जो कॉन्फिडेंस देती है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसमें पहली वालिदैन, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है कि वालिदैन उसको, पेरेंट्स ये झिझकदार है, बेटा लॉस हुआ है, चलो तुम्हारी लर्निंग हुई है, कोई मसला नहीं, अगला स्टेप उठाओ। नहीं नहीं सर, हम ये कहते हैं कि लॉस हुआ है तो हुआ क्यों है, पूरा करके दो। दूसरी चीज, दूसरा बंदा कौन है? वो टीचर है, हम लोग हैं। हम लोगों के पास करेज ही नहीं है। अगर हमारे पास करेज है ना, तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा बिजनेस करो और ये आपके पास अपॉर्चुनिटी। तो दूसरी रिस्पॉन्स, मैं एक बात बताऊं, हम लोग बच्चा जब एफएससी करता है ना, तो बच्चे की एज होती है 17-18 ईयर्स, जब वो ग्रेजुएट करता है 22 ईयर्स उसकी एज होती है। अगर आप आइडियल एज ऑफ बिजनेसमैन पढ़ो ना, तो वो 20 के करीब हो जानी चाहिए, यानी कि बच्चे को तरीका आ जाना चाहिए कि अर्निंग सोर्स कैसे डेवलप करनी। लेकिन हम बच्चे को स्किल सेट नहीं देते, हम बच्चे को पैम्पर करते रहते हैं, करते रहते हैं, ग्रेजुएट हो गया, चल बेटा पैसे मेरे से ले ले। हम तो उल्टा पॉकेट मनी लगाते रहते हैं, लो जी 20,000 हैं, चल आप 25,000 ले ले, 30,000 ले ले, उसे एहसास ही नहीं होता। सर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहन में आया है, सर आपने यूनिवर्सिटी बीइंग एन इंजीनियर, सर आपने पढ़ा, मैं तीसरा बंदा जी, सर कंटिन्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में? वो मीडिया की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सोशल मीडिया का है। इस पॉइंट पे आजकल के माहौल में देखा जाए, जिस तरह के सेमिनार्स आप करा रहे हो ना, इस तरह की बेतहाशा पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, रोल मॉडल्स होने चाहिए, जो बच्चों को मोटिवेट करते रहे, पुश करते रहे कि बेटा तुम कर सकते। जो वो करेज लेके आएगा ना, वो करेज उस लेवल पे चला जाएगा कि वो कर लेगा। जिस वक्त अपने दिमाग में वो खुद टिक नहीं लगाएगा ना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तब तक वो नहीं कर रहे। जिस वक्त ना, नहीं मैं नहीं कर सकता, जग जग मैं कर लूंगा, हो जाएगा, शायद मुझे लॉस हो जाए, शायद मैं, मेरे पैसे डूब जाए, तब तक नहीं करेगा। सर वो हम नेगेटिविटी की तरह जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसी वजह से हम यही सोचते हैं कि लॉस होगा और उसके बाद हमने मूव ऑन नहीं करना। सर कमिंग ओवर द लास्ट क्वेश्चन, जी जी मैडम कंटिन्यू। कि सर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ बड़ा टाइम हो गया है, एज अ स्टूडेंट, एज अ ग्रेजुएट, आफ्टर एज अ पोस्ट डॉक, और उसके बाद एज अ टीचर, आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज कम फोकस करती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? ये एक ना स्टूडेंट ने मुझे बड़ा पर्सनली अप्रोच किया है कि मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन आप पुट करवा दीजिएगा, कि हमें क्यों लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए या कोई भी एक्टिविटी की बात की जाए, जी इंजीनियरिंग के बच्चे पीछे रहेंगे। एक रीजन सर वो बच्चों के नजदीक ये भी है कि हमारी क्लास में लड़कियां नहीं होती, हमें एथिक्स नहीं सिखाए जाते, क्योंकि जिनकी क्लास में गर्ल्स होंगी उनको छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल्स सिखा दिए जाते हैं कि लड़कियों के साथ चले बैठ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हमें छोटी छोटी चीजों का पता चल जाता है। तो सर आपको क्या लगता है कि बच्चों का ये कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर प्लीज सर थोड़ा रोशनी डालिए। इंजीनियरिंग फील्ड ना थोड़ी सी टफ फील्ड है, अगर आप कंपैरेटिवली देखें ना, बीबीए बीकॉम वगैरह कंपैरेटिवली आसान है, आईटी को मैं नहीं कहता, कंप्यूटर साइंस भी उसी लेवल पे टफ है। इंजीनियरिंग ना थोड़ी सी टफ फील्ड होने की वजह से ना क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज पढ़े, 5 में से 3 या 4 कोर्सेज की तो आप लैब कर रहे हैं। अब 5 कोर्सेज हैं,
उनको भी आपने पढ़ना है, उनकी लैब भी करनी है, उनकी असाइनमेंट भी है, उनकी क्विजेज भी है। मैं सिंपल कॉमसेट्स का इन्वायरमेंट बताऊँ ना, तो कॉमसेट के इन्वायरमेंट में हम 4 क्विजेज लेते हैं, 4 असाइनमेंट लेते हैं, सही है ना। हमारे 2 मिनट होते हैं और एक फाइनल एग्जाम होता है, तो टोटल एग्जाम बने 11 एग्जाम बने। ये 11 एग्जाम एक सब्जेक्ट के बने, और टोटल एग्जाम 5 अगर पढ़े हो तो 55 एग्जाम बनते हैं, और अगर 3 लैब्स भी पढ़े हो तो 55 + 33 88 एग्जाम बनते हैं। और 88 एग्जाम कितने महीनों में करने हैं? 4 महीनों में, सही है ना। 4 महीनों में टोटल हफ्ते कितने बनते हैं? 16। और 16 में टोटल एग्जाम कितने देने? 88। किधर बच्चे के पास टाइम होगा, सही है ना। तो बिल्कुल ठीक है कि टीचिंग इंजीनियरिंग जो है वो कंपैरेटिवली टफ फील्ड है, इसको पर्पसफुली जो है बच्चे को पीछे नहीं छोड़ा जाता। बच्चा सर मैं लास्ट क्वेश्चन, ओवरबर्डन होता है ना, ओवरबर्डन होता है तो बच्चा खुद पीछे हो जाता है। अलग है, मैंने जब इंजीनियरिंग की थी ना, मेरा सीजीपीए आया था 3.57। एक चीज, मैं स्पोर्ट्स में खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, मतलब मेरे पास क्रिकेट के भी सर्टिफिकेट्स हैं, फुटबॉल के भी सर्टिफिकेट्स हैं, इवन मैंने पीएचडी तक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये वो स्पोर्ट्स हैं जो मैं खेलता रहा। मैं 100 मीटर रेस का विनर हूँ, सही है ना। ये जो मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये बच्चों को भी करनी चाहिए, मेंटली फिजिकली ग्रो करना चाहिए आपको। जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते उनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप होती। अगर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, इसमें वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज, हमारा टाइम पूरा हो रहा है सर। इसमें मैं एक क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे इसका आंसर भी चाहूंगा सर। इंजीनियर्स में बहुत ज्यादा मायूसी है, वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, अपने कैरियर के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो, या बिजनेस के हवाले से हो। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस सारे फेज से हम बाहर निकलें और अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकें कि हम भी किसी मुआशरे का हिस्सा, क्योंकि कहा जाता है इंजीनियर पिलर्स हैं, ठीक है, ये मुल्क बनाने वालों में शामिल हैं। तो सर हम लोगों को कैसे प्रूव करना खुद को, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? अच्छा एक बात थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको डेवलप करने पे लगाते हैं। गवर्नमेंट जितना पैसा दे सकती है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना के दे दिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों के अंदर इतना करेज डेवलप करना पड़ेगा, इतना फोकस बच्चे को करना पड़ेगा कि बेटा अपने आप को मैनेज करो, अपनी चीज़ों को मैनेज करो। मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज जिसको मैनेज करना है, वो क्या है? टाइम मैनेज करना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम 2.5-3-3-4-4 घंटे अपनी जो है वीडियोस देखते रहते हैं और टाइम जाया कर देते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या आप 24 आवर मैनेज करते हो अपने? क्या आपने अपने 24 आवर्स में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे गुजारे हैं जो आपको मैंने इफेक्टिवली कुछ गेन किया? नहीं किया। तो सबसे पहली चीज यह है कि हमने अपना टाइम मैनेज करना है, हमने टारगेट्स बनाने हैं, हमने गोल्स बनाने हैं। हमारे साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इसका बेस्ट हाल क्या है, आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक छोटी सी एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर लिखो कि मैंने आज के दिन ये 4 काम करने हैं। वो लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, और सबसे नीचे लिखो जो सबसे वीकेस्ट काम है, जो आप समझते हो कि यार ये हो जाए तब भी ठीक है, नहीं हो ना तब भी ठीक है। समझ लग रही बात? अब आपने क्या करना है कि ये मेरे पास टारगेट है, ये मैं टारगेट्स के अकॉर्डिंगली, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कराऊं ना, तो मेरे हर वक्त स्टिकी नोट्स मेरे स्क्रीन पे होते हैं, मैंने हर वक्त अपने नोट्स लिखे होते हैं कि भाई मैंने इस चीज पे रिसर्च करनी है, मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, मेरी अपनी कॉपी में भी लिखा होता है कि मैंने क्या काम करना है। आप सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, सही है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपना टाइम को मैनेज करो, टारगेट कर लो। मतलब मैंने इंजीनियरिंग जब की थी तो मेरा टारगेट होता था मैंने कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन उस 1 घंटे में ना मैं फेसबुक यूज करता था, ना मैं यूट्यूब यूज करता था, ना मैं मोबाइल फोन यूज करता था, डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी जाता था। 1 घंटा मैंने अपने स्टडी को देना ही देना है डेली बेसिस पे, चाहे मिड है, क्विज है, असाइनमेंट है या कुछ भी नहीं है, मैंने 1 घंटा डेली पढ़ना है, चाहे संडे है, चाहे मंडे है, चाहे सैटरडे है, जो मर्जी देना है मैंने 1 घंटा देना है। और मैं आज भी अपने स्टूडेंट को कहता हूँ जीपीए लेना है 1 घंटा सिर्फ पढ़ना, सिर्फ 1 घंटा पढ़ लो आपका जीपी आ जाएगा, सही है ना। बहुत अच्छे सर, टाइम मैनेज करना, आप अपना टाइम मैनेज कर लो, आप टारगेट कर लो। देखो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसको जॉब मिल गई, एक बच्चा है जिसको जॉब नहीं मिली, अब वो क्या करे? वो करे कि भाई कौन सा स्किल सेट ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, नौकरी वाले क्या चीज मेरे से पूछ रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आती, वो सीखना शुरू कर दे।
बेतहाशा ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं, सिंपल यूट्यूब पे बेतहाशा मिल जाते हैं। हम ड्रामा तो देख लेते हैं यूट्यूब पे, हम मूवी तो देख लेते हैं टॉरेंट से निकाल के, लेकिन हम कोई स्किल सेट डेवलप करने वाला कोई लेक्चर नहीं सुन सकते। हम सुन ले आधे घंटे का लेक्चर सुन ले, कोई स्किल सेट यार देखो नेटवर्किंग है, पूरी जिंदगी लोगों ने नेटवर्किंग में लाखों रुपया कमाया, हमारे इंजीनियर को नेटवर्किंग सिखा दी जाती है ना, तो वो क्यों नहीं करता बिजनेस, क्यों नहीं करती जॉब, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं। वो अपना स्किल सेट डेवलप करे, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन $25 $50 $100 का कोर्स है, वो पे करके स्किल सेट डेवलप करे, सही है ना। तो पहली चीज है टाइम मैनेज करे, दूसरी चीज है अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करे, अपने पैसों को मैनेज करे। हम हमारी बच्चियों में स्पेशली मैं ये बात करूंगा कि लग्जरीज की तरफ कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसने इस ब्रांड का सूट पहना है मैंने भी इस ब्रांड का पहना है, इसने इस ब्रांड के वो जूते पहने मैंने भी इस ब्रांड के पहने, इसने आईफोन लिया मैंने भी आईफोन लेना। ये लड़कियों के यही तो शौक होते हैं बेटा, देखो अपनी वो चादर देख के पांव फुलाने हैं ना, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप अगर अफोर्ड कर सकते लो, मैं कोई इनकार तो नहीं करता, लेकिन एक कंपटीशन तो नहीं है ना। हमारे पास डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन बेतुकी डिजायर होना, इस चीज को सोच लेना कि यार मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें गेन करनी, वो तो नहीं हम कर सकते ना। तो जो फाइनेंशियल्स को मैनेज करना, आप अपने पैसों को मैनेज कर लोगे ना, तो मैंने बेतहाशा लोग देखे कि वो एक टाइम पे एक जॉब के साथ ट्यूशन पढ़ा रहे, एक जॉब के साथ बिजनेस कर रहे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने अपने फाइनेंशियल सोर्सेज भी उस तरह ही जनरेट किया अपने खर्चों को पूरे करने के लिए। हम खर्चे बढ़ा लेते हैं लेकिन अपने फाइनेंशियल इनकम नहीं बढ़ाते। इसी फाइनेंशियल में मैं ये भी कहूंगा कि अपने एसेट्स डेवलप करो, सही ना। तीसरी चीज में लास्ट में जी कंटिन्यू प्लीज, मैनेजमेंट में तीसरी चीज है पीपल को मैनेज, जी जी सर प्लीज, अपने रिलेशन को मैनेज करना। हम देखो ना, हम पेरेंट्स भी बनते हैं, मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो अब आपने रिलेशन को, अपने भाई को कितना टाइम देना है, वालिदैन को कितना टाइम देना है, इन चीजों को मैनेज करना। अगर आप इन तीन चीजों को मैनेज कर लोगे, आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाओगे, जब आप ओवरबर्डन नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, तो आपने गोल्स को आप अचीव कर लोगे। आप टारगेट्स बनाओ ना, टू डू लिस्ट में अपने टारगेट बनाओ, एक शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट बनाओ, एक लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई मैं 50 साल तक मैं किधर पहुंचना चाहता हूँ, मैं 60 साल तक, मैं रिटायर किस लेवल पे होना चाहता हूँ, मेरे पास लो जी इतने एसेट्स होने चाहिए, और फिर कोशिश करो कि मैंने उन टारगेट्स को कैसे अचीव करना। अगर आप हिम्मत करके कोशिश करोगे ना, तो ग्रेजुअली आप उसे अचीव करना शुरू कर दोगे। होएगा ना कि बंदे ने सोच लिया मैंने मुल्तान जाना है, तो फिर वो मुल्तान की राह ही इख्तियार करेगा ना, ये तो नहीं होगा कि लाहौर बैठ के वो इस्लामाबाद की राह इख्तियार करे, सही है ना। तो आप जब फोकस करोगे ना, तो वो आप उसकी तरफ चलने लपड़ोगे, और अगर आप उसकी तरफ चलने लपड़े तो बेटा मुल्तान ना पूछे तो थोड़ा सा पीछे तक पहुंच ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो अचीव कर, अपना टारगेट इतना चलो इतना तो अचीव कर ही लोगे। सर इसमें लास्ट में मैं जी जी मैडम एक बात जी जी मैं इसमें लास्ट में एक चीज गोश गुजार करवाता जाऊं अपने ऑडियंस के, दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर यकूब एज माय पीएचडी सुपरवाइजर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ सर से सीख रहा हूं, और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो मैं सर से और कॉन्सर्ट से सीख के आऊं मैं यहां पे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करूं। एंड सर थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय ऑडियंस एंड फ्रॉम माय एसईडीसी डिपार्टमेंट। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करूंगा लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे और इस तरह के प्रोडक्टिव सेशन आपके साथ सर कर सके। मैम ओवर टू यू। बिल्कुल सर, सर एक्चुअली द टॉपिक व्हिच वी पीपल हैव चूज़न इज जस्ट नॉट द टॉपिक ऑफ द मोमेंट, इट इज बेसिकली टॉपिक ऑफ द डेकेड्स, टॉपिक सिंस फ्रॉम सेंचुरीज। तो इसके ऊपर एक घंटा बहुत कम था, एंड सर वी आर सो ब्लेस्ड एंड ऑनर टू हैव यू हियर ऑन बोर्ड, थैंक यू सो मच सर। एंड यस एट द एंड आई वुड लाइक टू मेंशन माय ओन डिपार्टमेंट, सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, व्हिच इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब फॉर द प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट, फॉर द ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट। के आपने सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर डिग्री के नाम पर लेकर मार्केट में नहीं आना, बल्कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिवली किन चेंजेस को अडॉप्ट करना है, आपने अपने CV, आपने अपने रेज्यूमे, ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एट द एंड मैं डॉक्टर नदीम आबदी का नाम लेना चाहूंगी, जो कि बिहाइंड द सीन हम हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, एंड सर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर यू टू बी हेयर ऑन स्टेज, और सर थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने साथ दिया और ये सेशन चला, क्योंकि बिजली ने तो कमी पूरी कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी ने अपना काम दिखाया है बीच में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज।